नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। मनुस्मृति में संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पर आपका स्वागत है। अभी हमने चर्चा की कि किस किस के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, भले उनने पार्टी दी हो लेकिन उनकी पार्टी में जाना नहीं जाना ये आपकी इच्छा है। पार्टी में जाना मना नहीं किया है लेकिन उनका अन्न खाने के लिए मना किया है। अब देखिए, जैसा खाई के अन्न वैसा बने का मन, ये तो आपको पता है, बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है ये। तो इन चीजों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है। हम पांचवें अध्याय में जाएंगे तो हमें कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी कि हमारी मृत्यु का कारण क्या होता है। तो वहां सबसे पहले यही कहा गया है कि व्यक्ति का जो भोजन है वो उसकी मृत्यु का कारण सबसे बड़ा होता है। चलिए आगे चलेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। आज चर्चा कर रहे हैं दान की। श्रद्धा से युक्त होकर के, पवित्र मन के साथ में, आलस से छोड़ करके, और मुझे दान करना है इस इच्छा के साथ अगर कोई आपको उपयुक्त पात्र मिल जाए तो दान अवश्य करना चाहिए। हमारे यहां शास्त्र ये कहते हैं कि बिना दान किए आप भोजन नहीं कर सकते हैं। नित्य प्रति किसी ना किसी को भोजन करवाना चाहिए, अन्नदान। अन्नदान नहीं तो वस्त्रदान, तरह तरह के दान की बात की गई है। दान धर्मम निषेवेते नित्य मैष्टिक पौर्तिकम। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आज किया तो महीने भर नहीं करना है, हफ्ते भर नहीं करना है, या अब अगली साल करेंगे। नित्यम, आपको जो इच्छित जो चीजें चाहिए उनकी पूर्तता के लिए। भैया आप कहें कि हमें चाहिए तो इसके लिए तो हमें लेना पड़ेगा ना लोगों से। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको कुछ चाहिए तो पहले दान कीजिए, दान करेंगे तो आपको उसकी प्राप्ति होगी। यहां हमारा गणित ये कहता है, परितुष्टेन भावेन पात्रम आश्राद्य सक्तिता। देखिए ये ख्याल रखिए कि आपको दान देने के बाद संतुष्टि मिलनी चाहिए। ये मैंने किसको दे दिया, क्या दे दिया, क्यों दे दिया, अरे ये तो ज्यादा दे दिया, अरे ये तो ऐसे दे दिया, इस प्रकार की भावना आएगी तो उसका फल नहीं मिलेगा। यदि किंचित विदातव्यम याचितेन अनुसूयया। भाई याचक जब मांगने आया है तो उसको जो दें इस भावना के साथ ना दें कि यार अब इसकी तो कामना ही नहीं पूर्ण कर पा रहे हम, इतना कितना ये मांगता है, ऐसा कैसे दिया जाएगा। नहीं नहीं, अगर याचक मांग रहा है और आपके पास अगर शक्ति है तो शक्ति के अनुसार उसको यथेष्ट दान देना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति देने वाला और जब स्वीकार करने वाला ये दोनों ही संतुष्ट होते हैं ना, तो उसका फल सीधा स्वर्ग की प्राप्ति है, यानी उसमें दोनों लोग सुखी होते हैं। आप दान करें तो इस चीज का ख्याल रखिए कि दान देकर के आपको संतोष मिलना चाहिए और दान लेने वाले को भी संतोष मिलना चाहिए। अब आप कहेंगे कि साहब हम अपने संतोष की तो बात कर सकते हैं लेकिन सामने वाला संतुष्ट हो नहीं हो तो हम ऐसा कैसे समझें। भाई यही तो सुपात्र और कुपात्र है। आप अगर सुपात्र को दान देते हैं तो उसको दान देने से उसको एक तृप्ति की प्राप्ति होती है, और अगर आप किसी बगुला भगत को, विडाल व्रतधारी है, बिल्ली की तरह जिनका नेचर है, ऐसे किसी ब्राह्मण को दान कर रहे हैं तो आपका दिया हुआ दान निरर्थक जाएगा, ये तो वहां भी कहा गया है। अब कुछ चीजों के दान करने के फल लिखे हैं कि भाई अगर कोई जल का दान करता है तो उसको तृप्ति की प्राप्ति होती है, अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। जो अन्न का दान करता है उसको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। जो तिल का दान करता है उसको संतान की प्राप्ति होती है। जो दीपक का दान करता है उसकी आंखें हमेशा अच्छी रहती हैं। जो पृथ्वी का दान करता है उसको और बड़ी पृथ्वी का भाग प्राप्त होता है। जो सोने का दान करता है उसको दीर्घायु की प्राप्ति होती है। जो घर का दान करता है, जो चांदी का दान करता है, जो वस्त्र का दान करता है, जो घोड़ों का दान करता है, यहां सभी चीजों का उल्लेख है। बैलों का दान किया जाता है, गाय का दान किया जाता है, और इन सब के फल यहां पे लिखे हुए हैं। तो भैया आज तो इनमें से बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं कि जो आज भी उपयोगी हैं, लेकिन अब आजकल कौन घोड़े और बैलों को अपने उपयोग में लाता है। तो आज आप वाहन का दान करेंगे तो जिस प्रकार के दान करेंगे उनके फल यहां पर दिए गए हैं। याद रखिए, यान और सैया, यानी सवारी और सैया का जब दान किया जाता है तो भार्या, ऐश्वर्य और अभय पद की प्राप्ति होती है। जो धन का दान करते हैं उनको सुख की प्राप्ति होती है,
और जो विद्या का दान करते हैं उनको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और इन सभी प्रकार के दान में, जिसमें जल दान आ गया, अन्न दान आ गया, सुवर्ण दान आ गया, रजत दान आ गया, सभी प्रकार के दानों की बात हो गई, लेकिन सबसे श्रेष्ठ अगर कोई दान माना गया हो तो वो विद्या दान माना गया है। सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते। ब्रह्मदान यानी ज्ञान का दान, विद्या का दान, इसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो भैया मैं तो वही श्रेष्ठ कार्य कर रहा हूं। अब ये तो साधन भी ऐसा मिल गया है कि मुझे सुपात्र और कुपात्र ढूंढना नहीं है, क्योंकि जो सुपात्र हैं वही इसको सुनेंगे, जो कुपात्र होंगे तो उनकी तो मतलब की चीज नहीं है। तो मैं तो बड़ा ही इससे संतुष्ट हूं, मुझे अत्यंत आनंद इसका आता है। और फिर उसी बात पे आते हैं कि ताव बहु गच्छता स्वर्गम, वो दोनों लोग स्वर्ग में जाते हैं जो श्रेष्ठ रूप से दान करते हैं और जो संतुष्ट होकर के दान का स्वीकार करते हैं। यो अर्चितम प्रतिग्रहणाति, जो देने वाला देता है और लेने वाला लेता है और दोनों ही जिसमें संतुष्ट रहते हैं, ताव भोग गच्छता स्वर्गम, उनको हमेशा सुखों की प्राप्ति हुआ करती है। और जो भैया इस प्रकार से नहीं करते हैं तो भैया उनके लिए नरक के दरवाजे तो हमेशा खुले ही हैं। न विस्मयेन तपसा वेद दिष्टा चनानृतम, अगर आप तपस्या करते हैं तो उससे आपको यह आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ओहो मैंने तो 9 दिन बिना कुछ खाए पिए तपस्या की है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अगर वेद का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप तपस्या करके और स्वयं उसका वखान करते हैं, अगर आप वेद का अध्ययन करके झूठ बोलते हैं तो फिर आप समझ लीजिए दान करने के बाद कभी भी उसका वर्णन नहीं करना चाहिए, मैंने उसको ये दिया, उसको वो दिया, मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया। अगर आप ये करते हैं तो सब कुछ किया धरा बेकार। देखिए महाभारत में कथा आई थी महाराज याति की, याति को स्वर्ग का स्थान प्राप्त हुआ, इंद्र का पद उनको मिल जाए, इस प्रकार की स्थिति है। लेकिन हुआ क्या, इंद्र को लगा कि भाई ये तो मतलब पृथ्वी से सिर्फ स्वर्ग में नहीं आए, ये तो स्वर्ग में मेरा आधिपत्य छोड़ करके और स्वयं अधिपति बन जाएंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसे ऋषियों को उनके पास भेज दिया, जिन ऋषियों ने थोड़ी सी उनकी प्रशंसा की और उनसे कहा कि अरे आप तो बड़े श्रेष्ठ राजा हैं, सुना है आपने तो बड़े दान धर्म किए हैं, तब आपको इस पद की प्राप्ति हुई है। तो फिर तो ये आती शुरू हो गए, हाँ मैंने ये किया है और मैंने ऐसे किया है और मैंने उनको ये दिया और उनको ऐसा किया, उनको संतुष्ट किया, उनको संतुष्ट किया। जैसे ही उन्होंने अपने वर्णन किए तो वर्णन करने के साथ ही उनके अपने पुण्य क्षीण होते चले गए और उनके उल्टे मुंह पृथ्वी पे उनको गिरना पड़ा। ये महाभारत में कथा आ चुकी है। तो दान देने के बाद कभी भी स्वयं उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, तपस्या करके कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए और वेद पढ़ने के बाद कभी भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। और बहुत बड़ी बात यह कही है कि ब्राह्मणों के पास से अगर आपको दुख भी मिला हो तो भी उनको दुर्वचन नहीं बोलने चाहिए। यज्ञ झूठ बोलने से नाश होता है, तपस्या आश्चर्य करने से नष्ट होती है, ब्राह्मण का अपवाद करने से आपकी आयु क्षीण होती है और आपका दिया हुआ दान जो है वो उसका वर्णन करने से समाप्त हो जाता है। धर्मम शनै संचिनुया। अब देखिए आप धर्म की बात शुरू करते हैं और यहां से आगे चल के धर्म के बारे में बहुत कुछ आपको बताया जाएगा। कहते हैं कि धीरे धीरे व्यक्ति को जब वो गृहस्थ है तो धर्म का संचय करना चाहिए। किस प्रकार से, वाल्मीकिमेव पुत्तिका, जैसे चींटी जो है ना धीरे धीरे मिट्टी निकालती रहती है और वो अपने बिल के बाहर इतना बड़ा ढेर मिट्टी का लगा देती है कि फिर उसकी बिल के अंदर कहीं से जल्दी से पानी नहीं जा सकता है, वो अपनी सुरक्षा का ऐसा इंतजाम कर लेती है। इसी प्रकार से परलोक में आपका सहायक एकमात्र वो आपका धर्म होता है। तो परलोक का जो सहायक धर्म है उस धर्म का संचय व्यक्ति को करना चाहिए, पुण्यों का संचय व्यक्ति को करना चाहिए। सर्वभूतान अपीडयन, किसी को पीड़ा पहुंचा के ये कार्य आप नहीं कर सकते। देखिए
पर पीड़ासम नहीं अधमाई। अगर आप दूसरे को पीड़ा पहुंचा करके कोई धर्म कर्म कर रहे हैं तो आप ये मानिए नहीं कि आप कोई धर्म कर रहे हैं। कल के वीडियो में भी बात हुई थी कि आप इसलिए धर्म नहीं कर सकते हैं कि आपको कोई बड़ा काम करना है तो लोगों को परेशान करके एकत्रित कर लें, फिर उससे आप धर्म कर लें। उसका तो निषेध पहले ही किया गया। यहां फिर कह रहे हैं कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाए बिना आपको यह कार्य करना है। नामूत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः। भैया मरने के बाद जब आप जाएंगे ना परलोक, तो वहां ना माता आपकी सुरक्षा के लिए होंगे, ना पिता आपकी सहायता के लिए होंगे, न पुत्र दारा, ना आपका पुत्र वहां आपके साथ आएगा, ना आपकी पत्नी वहां साथ में आएगी, कोई आपका जाति का बंधु बांधव भी वहां आपके साथ नहीं आएगा। वहां तो एक ही आपका बंधु है, धर्म तिष्ठति केवलः, सिर्फ धर्म ही आपके साथ रहता है। आप समझ लीजिए धर्म कितना महत्वपूर्ण है। जब कोई साथ नहीं देता है तब आपके किए हुए सत्कर्म, तब आपके द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्य जो हैं, वो आपका साथ देते हैं। मृत्यु के बाद ना तो माता पिता साथ जा सकते हैं, ना पुत्र साथ जा सकता है, ना पत्नी साथ जा सकती है। जो ज्ञाति बांधव है वो भी कंधे पे उठा के श्मशान तक छोड़ के आ जाएंगे, कोई आपके साथ नहीं आने वाला। अरे आपके साथ अगर मरेगा भी व्यक्ति तो भी वो अपने कर्मों को भोगेगा, आपको अपने कर्म भोगने हैं। तो भैया ऐसे में सिर्फ धर्म ही आपका साथी होता है। धर्म तिष्ठति केवलः। एकः प्रजायते जन्तु एकः एव प्रलीयते। बड़े प्रसिद्ध श्लोक है कि व्यक्ति अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही वो मरता है। एकोन भुंक्ति सुकृतम। और अगर उसने पुण्य कर्म किए हैं तो भी उसको अकेले ही भोगने होते हैं, और अगर उसने पाप कर्म किए हैं तो भी उसको अकेले ही भोगने पड़ते हैं। तो भैया कर्म आप करेंगे, भले आप ये कह रहे हो कि मुझे अपने पुत्र को डॉक्टर बनाना था और इसलिए मैंने किसी के पास से इस प्रकार से भ्रष्टाचार के द्वारा धन एकत्रित किया, मेरा पुत्र डॉक्टर बन जाए। भाई पुत्र डॉक्टर बन गया, लेकिन इस कर्म का फल तो पहले आपको भोगना है। पुत्र तो हो सकता है कि अच्छे कार्य करे तो बच सकता है, लेकिन आपको तो वो कर्म भोगना है क्योंकि वो आपका किया हुआ कर्म है। तो जो संतान मृत्यु के बाद आपका साथ नहीं दे सकती है, उस संतान के लिए अपने परलोक को बिगाड़ने का कोई अर्थ नहीं है। देखिए बड़ी सुंदर बात कही गई है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो आपके धन की उसको जरूरत नहीं है, वो अपने आप अपना जो कुछ उसको खड़ा करना है वो खड़ा कर लेगा। आप उसको अच्छे संस्कार दे दीजिए, इतनी आपकी जवाबदारी है। शिक्षा दीक्षा अच्छी हो, ये आपकी जवाबदारी है। और पुत्र अगर कुपुत्र है तो कितना भी इकट्ठा करके जाओगे वो सब उड़ा देगा, और उड़ाएगा नहीं, वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो भैया धन संतान के लिए एकत्रित करना आवश्यक नहीं होता है, संतान को संस्कार देना, संतान को उत्तम शिक्षा और उत्तम दीक्षा देना, ये माता पिता की जवाबदारी है। उसके लिए मैं बड़ा सा घर बना दूं, इतनी आय का साधन कर दूं, उसको इस प्रकार से बना दूं, ये सब पिता की जवाबदारी नहीं होती। जो पिता ये काम करने में रहते हैं ना, उनको एक प्रजायते जंतु ये याद रखना चाहिए कि आप अकेले जन्मे थे, मरेंगे उस दिन भी अकेले जाएंगे, और जो कर्म आपने किए हैं वो भी आपको अकेले को भोगने हैं। अच्छे किए हैं तो अच्छे, बुरे किए हैं तो। मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठ लोष्ट समम क्षितौ विमुखा बांधवा हयांति धर्मस्तम अनुगच्छति। मैंने भी कहा था कि बंधु बांधव आपके शरीर को मरा हुआ देख करके ऐसे मुंह फिरा लेते हैं, ठीक है कहानी खत्म हो गई। आपका बहुत प्यारा मित्र होगा, वो भी कहेगा कि बस भैया यहीं तक का हमारा आपका साथ था। पत्नी भी थोड़ी अपने हाथ की चूड़ियां ओड़ियां तोड़ लेगी, थोड़ा सिर पटक लेगी, लेकिन रात होने से पहले उसको ये लगेगा कि ये यहां से जाए तो रात का खाना मिले। हो सकता है एक दिन नहीं खाएगी लेकिन दूसरे दिन खाएगी। पुत्र भी जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं वो भी क्या करेगा, मुखाग्नि लगाने तक खड़ा रहेगा, और आग लग गई तो फिर जाकर के घर पे शांति से स्वयं नहीं करेगा तो चार लोग कहेंगे, और आराम से भोजन करेगा। तो सभी आपसे विमुख हो जाएंगे,
और उस समय आपके साथ अगर कोई जाएगा तो सिर्फ आपके द्वारा किया हुआ धर्म, आपके द्वारा किए गए सत्कर्म ही सिर्फ आपके साथ जाएंगे और कोई आपके साथ नहीं जाएगा। इसलिए भैया धर्म का आचरण करें। तस्मात् धर्मम सहायार्थम नित्यम संचित याचन ही धर्मेण ही सहाय ने तमस्तरति दुस्तरम। भैया इसलिए ऊपर बहुत सारी बातें कहती हैं, अब इससे ज्यादा कहने की क्या आवश्यकता है। इसलिए व्यक्ति को धर्म का संचय करना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। बेटे के लिए 20 रुपए इकट्ठे किए वो पता नहीं बेटा क्या करेगा, लेकिन अगर 20 रुपए का आपने कहीं दान कर दिया है, किसी का पेट भर गया है, तो वो पुण्य आपके साथ जाएगा, इसकी गारंटी। तो भैया इसलिए जब व्यक्ति दान धर्म करता है, जब व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करता है, तो कठिन से कठिन परिस्थितियों से, देखिए इसकी महिमा यह है कि ये लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। धर्म प्रधानम पुरुषम तपसा हंति के लिए विषय, जब व्यक्ति धर्म प्रधान होता है तो अपनी तपस्या से वो बड़े बड़े पापों को भी समाप्त कर सकता है, और जब उसके पापों का समापन हो जाता है ना, परलोकम नयत्यासो भाष्वतम स्वशरीर, तो फिर वो परलोक में जब जाता है तो उसका देदीप्यमान स्वरूप होता है और फिर उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। वाल्मीकि रामायण की कथाएं सुने, महाभारत की कथाएं सुने, आपको दान की महिमा का ख्याल आएगा, आपको धर्म की महिमा का ख्याल आएगा। देखिए धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म का आचरण किया तो सशरीर स्वर्ग पहुंचे जाकर। एक वाल्मीकि रामायण में बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक राजा ने पूरी जिंदगी तरह तरह के दान किए लेकिन अन्नदान नहीं किया था, तो मरने के बाद अपने ही मुर्दे का मांस खाने के लिए, उनकी क्षुधा तभी मिट सकती है, इसके लिए उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो हम ये भी नहीं सोच सकते हैं कि भाई सिर्फ विद्या दान करके अटक गए, खाली विद्या देने से किसी का पेट नहीं भरता है। अगर कोई ऐसा मौका मिलता है, कोई ऐसी जरूरत है किसी को, तो हर प्रकार के दान धर्म करने चाहिए व्यक्ति को, ये इसका सार है। उत्तम ही नित्यम संबंधान आचरित सा। अब भैया ये सब जो कुछ आपको सिखाया जा रहा है, ये सब आप करेंगे कैसे और ये संभव कैसे है, तो जब व्यक्ति उत्तम व्यक्ति का साथ करता है तो उसको उत्तम विचार आते हैं और वो उत्तम कार्य कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी नीच व्यक्ति की साथ करने लग गए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके मन में विचार भी नहीं चाहेंगे, तो उत्तमान उत्तमान गच्छन, उत्तम उत्तम लोगों के पास जाना चाहिए, हीनान हीनान से वर्जयन, और हीन से हीन लोगों का आपको परित्याग करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ आपको व्यवहार नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों के साथ व्यवहार रखेंगे तो आपके मन के विचार भी इस प्रकार से दूषित होंगे और आप भी इस प्रकार से परेशान होंगे, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। दान के संदर्भ में एक दो बात और महत्वपूर्ण है, उनकी चर्चा करते हैं। आपसे कहा गया कि इनका अन्न नहीं खा सकते, इनका दान स्वीकार नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने स्थान से जाते ही नहीं, भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाते हैं, वो अपने स्थान पे रहते हैं और किसी ना किसी को ईश्वर भेज दिया करता है कि भैया जाओ उसका आपको भोजन करवाना है। तो ऐसे समय पर अगर आपको कोई भोजन देने के लिए आया है जिसके बारे में आप जानते नहीं ये कौन है, कहां से आया है, क्या है, तो आप उसका तिरस्कार नहीं करेंगे। हो सकता है वो वेश्या ही हो, लेकिन जो जिस स्वरूप में आपके सामने आई है आपको वो लगती है कि वो गृहिणी है और वो आपको भोजन दे रही, तो वो भोजन स्वीकार करना चाहिए। शास्त्र ये कहते हैं कि जानबूझ करके जब आप किसी से दान मांगने जाते हैं तो ऐसे लोगों के पास नहीं जाएंगे जिनका वर्णन हमने कल किया था, लेकिन सामने से अगर कोई देने आ गया है जिसके बारे में आप जानते नहीं है तो उसका दोष आपको नहीं लगता है। हां अगर आप उसका अपमान करते हैं तो आपको उसका दोष अवश्य लगता है, यानी कोई अपनी जात को छुपा करके और आपको दान देने आया है, अब आपको तो पता नहीं है कि वो कौन है, तो ऐसे का दान फिर आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये एक विशिष्ट बात यहां पे कही गई है, जो बातें कही गई थी उससे विरुद्ध है, क्योंकि आप दान लेने से पहले व्यक्ति की जन्म कुंडली निकालें कि भाई ये कौन है, इसके घर में उपपति रहता है या नहीं है, ये अपने खाली पति के साथ रहती है और लोगों के साथ भी रहती है, बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती, बड़ी धार्मिक होती हैं, चारित्र के हिसाब से उतनी धार्मिक नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां तो एक काम का अपना आवेग हुआ करता है। अगर आपको उनकी वास्तविकता पता है तो आप उनके पास मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन आपको तो मालूम ही नहीं है, वो तो जब आएगी तो सती साध्वी के तौर पर ही आएगी। ऐसे कोई राजा भी हो सकता है, ऐसे कोई वैश्य व्यापारी भी हो सकता है। तो भैया
ऐसे लोगों के पास से दान स्वीकार करना निषिद्ध नहीं है, और विशेष करके अपने गुरु की सेवा के लिए, अपने सेवकों के कल्याण के लिए, अपने माता पिता के लिए, देवताओं की पूजा इत्यादि के लिए, जहां से भी आपको धन की प्राप्ति हो, धन आप ले सकते हैं और वो सारे कार्य पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन उसका खर्च अपने ऊपर नहीं करना चाहिए। ये विशेष बात कही गई है। तो दान धर्म के विषय में मनुस्मृति का जो मंतव्य है वो आपको सुनाया, आपको जो अच्छा लगे उसका स्वीकार कीजिए, और जो बातें आपको ऐसी लगेंगी तो निरर्थक है, तो भैया कोई दुराग्रह तो हो ही नहीं सकता है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।